भी है, इधर वाले हैं, इधर वाले हैं, और नून वाले भी भाई, फिर तार तो आवांगे, चिंता ना करो। बीजेपी की चलती है ऐसा, सारे मिलके लड़ रहे हैं। हाँ आप प्लीज भाई, नारा सबका पुराना चाहिए, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, दोनों हाथ उठा के, ये चश्मे दूर की नजर के बेरा देखो, मैं कुछ ना था किसने था। हाँ आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, का फोटो है ना, आवाज़ लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही सम्मान के और हमारी इस हड़ताल को आज 63 दिन हो गए हैं। इस हड़ताल का अध्यक्ष मंडल कौन, बीच में ना बोलो, आराम से कर लो। कौन कौन आड़े भी को बिठा लो पल्ली पल्ली पे। आज 63 दिन हो गए हरियाणा के मजदूर आंदोलन में, महिलाओं के संघर्ष में, पूरे प्रदेश की आशाओं ने एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास सरकार ने क्या क्या घोड़े भी दौड़ा लिए, मगर वो आशाओं की एकता को तोड़ नहीं पाई। 8 तारीख की ललकार रैली में पूरे हरियाणा की आशाओं ने, मिड डे मील ने, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने, पटड़ी रैली ने, वन मजदूर ने, भवन निर्माण ने, आंगनबाड़ी ने, फैक्ट्री के वर्करों ने और तमाम जनता के सभी हिस्सों ने मिलकर एक नया इतिहास रचा, खट्टर को ललकार के आए। उस रैली को आपने सफल बनाया, मैं उसके लिए हरियाणा सीआईटीयू की ओर से आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। रैली को सफल बनाने के लिए करनाल की जनता चंबित थी कि ये पूरा करनाल लालो लाल कैसे हो गया, कैसे हो गया, पंडाल में जगह नहीं थी, पूरा शहर लाल झंडों से पटा हुआ था, पूरा हरियाणा से 50,000 से ज्यादा भाई बहन उस रैली में पहुंचे। मुख्यमंत्री के भी आपसे वहां के प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेके गए। अब सभी आशाएं कह रही है कामरेड जी कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, कि मैं होगा कि नहीं होगा। एक काम पक्का होगा, या तो खट्टर सरकार तेरी मांग मानेगी, नहीं तो खट्टर सरकार की दुकान पक्की पटेगी। अब बता देना, हमारी लड़ाई पीछे नहीं हटेगी। 29 तारीख को हरियाणा के बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री खुल्लर साहब, विभाग के अधिकारी, हमारे यूनियन का प्रतिनिधि मंडल बैठा, पूरी डिटेल के साथ 10 की 10 मांगों का क्या हमारा आधार है, क्यों हम ये मांग कर रहे हैं,
वो हमने रखा है। उन्होंने भी अलग अलग विषयों पे अपनी बातें रखी। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक सप्ताह के अंदर अंदर मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके तुम्हारी बातचीत कराऊंगा। आज 29 तारीख को और आज 10 तारीख को कितने दिन हो गए? 12 दिन बीत चुके हैं। खट्टर साहब के पास क्या टाइम नहीं है? आपके एमडी से बात की थी पंचकुला की साथियों ने, उन्होंने कहा हमने अपनी तरफ से पूरी सारी जो भी तैयारी करनी थी वो करके हम तो तैयार बैठे, जैसे ही मुख्यमंत्री बुलाएगा हम आपकी यूनियन को बुला के आप आमने सामने बात कराएंगे। अब पूरे प्रदेश की 22,000 आशा ये इंतजार कर रही है कि कब खट्टर साहब बुलाएगा। अब कह रहे खट्टर साहब पर टाइम नहीं, बीमार हो गया उस दिन कह रहे थे, लेकिन वो खट्टर साहब क्या कर रहा है? वो पूरे हरियाणा में जनसंवाद कर रहा है। कहीं सरसा में तप्पड़ पाट रहा, कहीं बाटर में तप्पड़ पाट रहा, पूरे हरियाणा में जनसंवाद की पक्या उधेड़ के रख दी जनता ने। किस बात का जनसंवाद कर रहा है? यह स्थिति खड़ी है साथियों। कोई नहीं बैठ गया, मैं साथी उधर ही आएंगे तड़कर। ए विमलेश अभी आ रहे तुम्हारे पास। कोई नहीं, वो मीडिया वाला फोटो ले रहा होगा। कोई नहीं सारे सावड़े। आज बिना कदे बिना उड़ाओ से कदे उड़ाओ से, मगर उस कल मंत्रिमंडल की बैठक है, पूरे हरियाणा का मंत्रिमंडल बैठेगा। आपने सभी मंत्रियों को कह रखा है कि हमारी आवाज उठाओ, अगर हमें जवाब नहीं मिला तो 18 तारीख को पूरे हरियाणा के मंत्रियों के निवासों पे आकर 24 घंटे का पड़ाव करेंगे। पहले बात छोड़ो, यह ऐलान किया गया बाकर चुप नहीं बैठेंगे हम। साथ ही पूरे देश की फेडरेशन ने, आशा वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है, इसी महीने की 30 तारीख को प्रधानमंत्री के यहां दिल्ली में पूरे देश की आशाएं जाएंगी लाखों की संख्या में। ये अपना ऐलान है। 18 हमारी 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है। बहनों आपने खेल में देखा, हाँ लोग आपने अभी मैं जो कह रहा था आपने भी खेल देखे। हमारी इंडिया की भारत की एक बेटी 5,000 मीटर की रेस में शामिल थी। हाँ एक नारा लगा दो भाई, पत्रकार जी फोटो ले रहे हैं आपका पुराना चाहिए। ए छोरियो तुम भी हमारी गैल में खड़ी हो जाओगी तो फोटो पूरा आएगा। तुम भी या तो पीछा दे एक बराजो साहब, नहीं तो फिर ये मेरे को उलाना दे देंगे, मेरे मित्र बहुत प्यारे हैं। हाँ खड़े खड़े एक खड़ी हो जाओ गैल में, ठीक है और नारा लाओ ऐसा जोर से पूरी आवाज आनी चाहिए। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मैं बात कर रहा था, हमारी एक बेटी 5,000 मीटर की रेस में भाग ले रही थी, जापान की उससे बहुत आगे थी, 3-4 देशों की आगे थी। उस बेटी ने पूरे किलोमीटर करते हुए आखिरी राउंड में ऐसा जज्बा दिखाया, आखिरी 10 मिनटों में उसने भारत की जोड़ी में गोल्ड मेडल लेकर आई। हम उस बहन को बधाई देते, बेटी को बधाई देते, पूरे देश के मजदूर वर्ग की ओर से कि उसने देश के इतिहास में नाम रखा। लास्ट 1 मिनट बहुत हिस्टोरिकल थी।
इसलिए आशा बहनों, आपके संघर्ष में भी ये जो दिन आ रहे हैं, एक एक दिन हिस्टोरिकल है। ये तोड़ का टाइम है। कोई किसी प्रकार की ढिलाई या किसी प्रकार की कोताही नहीं। आखिर में पहलवान ऐसे चोर मारता है। उनके मंत्रियों को निकलने के लिए जगह नहीं है। पूरे हरियाणा में आज वो लंबे खोसला सारा हरियाणा बेच के खा गया। दुष्यंत चौटाला ये जनता के वोट लेके इस खट्टर के जाके बेच दिए। आज पूरे हरियाणा का किसान उचाना में उचाना के अंदर आज पूरा घेराव करे बैठा है, क्योंकि बारिश की वजह से एक हिस्सा बारिश से बर्बाद हो गया, एक हिस्सा सूखे से बर्बाद हो गया। आज किसान को मुआवजा तक नहीं दिया। बीमा कंपनियां किसान से पूरा प्रीमियम लेती है पर एकड़ का, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है बीमा कंपनी कहती है अगर किसी पूरे गांव में 75% नुकसान है फिर हम बीमा देंगे। किसान की मांग क्या है? जब पर एकड़ पे आप प्रीमियम लेते हो, पर एकड़ के नुकसान के हिसाब से पर एकड़ को इकाई मान के किसान को मुआवजा दो। यह है हमारा मुद्दा बहनों। इसलिए हमारी रैली में आए थे किसान मोर्चा की ओर से मास्टर बलबीर जी, वो बोल के गए थे। इसी प्रकार कर्मचारी नेता आए थे हमारी रैली के अंदर, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष साथी धर्मवीर फोगाट और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के और सर्व कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष साथी नरेश शास्त्री जी आए थे। अभी 3 नवंबर को पूरे बंगाल से लेके केरला से लेके त्रिपुरा से लेके तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक के कई लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेके आए दिल्ली की ओर 3 तारीख को 3 नवंबर को। ये बिचारी ये बिटिया खड़ी करते हैं न देते कुछ के अपना घर, पुलिस आए ने खड़े करते हैं। ज्यादातर 2004 के बाद के भर्ती है, उनकी कोई पेंशन नहीं है। पंजाब के समान वेतनमान की बात की थी, वो नहीं मिलता। छोड़ियो, मारा लठमान पे काम को नहीं चलने, हम ही आपके पुरानी पेंशन बहाल करा सकते हैं और कोई नहीं कराएगा। इसलिए ये जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई को हम जीतेंगे। अभी 2024 आ रहा है। उस दिन मैंने रैली में बोलते हुए भी कहा था कि 26,000 की मांग कोई सतवीर के दिमाग में आ गई हो, सुरेखा का आ गई हो या चय भगवान का आ गई हो, ऐसा नहीं है। 26,000 के लिए मैंने पूरे आंकड़े इकट्ठे किए, महंगाई के, राशन के, दाल सब्जी के, घी तेल के, आटा दाल चावल के, हर चीज के रेट फड़ाए हैं हमने। फिर लत्ता कपड़ा चूती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इलाज, इस सारे को मिला के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बहनों। ये बात होगी सुनो बेबे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊपर से 25% ब्याह का, शादी का, सगाई का, नुंदे का, निधार का, लेड़ का, देन का, कोई बेटी आगे इसका छुच्छक्का, सामाजिक जो काम है उनके खर्चों को जोड़ के तब जाके कुल 26,000 ये बनता है, ये बनता है। आज खट्टर कितनी तनख्वाह लेता है, दुष्यंत चौटाला कितने तनख्वाह लेता है, आज कितने एमएलए एमपी है वो कितनी पेंशन लेते हैं, एक बड़े एमएलए एक पेंशन, दो बड़े एमएलए दो पेंशन
8 बार एमएलए 8 पेंशन, एमपी बन गया उसकी नारी पेंशन। अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़ी पेंशन पता है किसकी है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है। दूसरा नंबर अपने कैप्टन साहब का, अजय यादव का। उसके बाद और सारे एमएलए मंत्रियों से बीजेपी के थे, विपक्ष के। आप तो बड़े 8-8 पेंशन ले। मेरी आशा वर्कर जो 35 साल 40 साल 65 साल की उम्र तक समाज की सेवा करेगी उसके लिए कोई पेंशन नहीं, उसके लिए कोई रिटायरमेंट लाभ नहीं, उसके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। वो तो क्या आशाओं को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया क्या? अगर पूरा कोरोना में किसी ने काम किया जान हथेली पे रख के, वो आशा है, वो सम्मानित की थी पूरी वर्ल्ड है। और तो जाके प्रधानमंत्री और खट्टर नंबर बना हुए अरे बात कर खाते टेम को नहीं, बात सुन ले खट्टर साहब, बात भी करना होगा और किसनी भी करनी पड़ेगी। हमें बता दे बात यू नहीं चले। वो लाला जी ने चोरी कर ली थी ना, बताई थी तर भी एक बार बता। लाला जी ने चोरी कर ली, थानेदार था ये, राशन में मिला कुछ करके रोला रखता करके कर गया वो थानेदार था अपने शिवाजी नगर वाला जो ये बड़ा ड्यूटी ला रखी। और बोला लाला जी चोरी करी, हाँ जी करती तो होगी, फिर इसका जुर्माना भरेगा। वो बड़ा मुंजी था, बड़ा 3 सजा है, चाहे जुर्माना भर ले, चाहे 100 चूत खा ले, चाहे 100 घंटे खा ले। लाला जी ने सोचा जुर्माना बन के बजाय दूध खाने के बजाय तो घंटे खा ले। अब उदार साहब को छाबड़ा दर दिया आगे घंटा चल चल ले लाला जी, एक खाया दो खाए पांच में मजा के सारा मुंह फट गया। अरे लाला जी ने मुंह भरिया, ये घंटे तो मैं नहीं खाए जा, घंटे नहीं खाए जा बोला मेरे, फिर बोला मैं तो दूध खा लूंगा, बोला दूध खा लेगा, बोला हाँ बचा कमल रहा, बोला कमल बिछा के लाला जी मुंह तो लेटा दिया। और एक शाम का इतना बड़ा फ्रू तो एक उसका एक तरफ लिखा हुआ है आन मिलो सजना और दूसरी तरफ लिख रखा है फिर कम मिलोगे। अब लाला जी लटा के और हल्दार ने 5 जूत मारने शुरू करे। अब वो चमड़ा वाला लाग गए है ना, 4 आंगन खाल गल्ले ठावे हो, एक लाग गया दो लाग गए पांच में लाला जी ने मुंह बा दिया, तुम्हें तो फिर मैं नहीं बचूंगा। तो खट्टर साहब आपको बात भी करनी होगी, फैसला भी करना होगा और हमारी जीत भी होगी। हम भी बता देना चाहते हैं नीचे तीन सजा दंड तैयार रही है।